श्यामगिरी सेवाई मठ शास्त्री पार्क पर समाज सेवी रचना वाजपेयी की तरफ से नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस मौके पर भारी संख्या में साधु संत और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डीएम तिवारी ग्रुप द्वारा गीत और संगीत की प्रस्तुति दी गई और माता रानी की भेंट भी प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी रचना वाजपेयी ने मीडिया जगत के समस्त पत्रकारों को सम्मान देकर उनका मान बढ़ाया और नवरात्रों के उपलक्ष में उन्हें बधाई भी दी। नवरात्रि तो हम लोग माता रानी को याद करते हैं। पहले तो सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि थोड़ा युग बदल रहा है, थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट आ रही है, तो शायद माता रानी की पूजा की वजह से ही ऐसा हो रहा है। हम लोग जितना शक्ति माँ का पूजा कर रहे हैं, जितनी उनकी वो आराधना कर रहे हैं, उतनी हमारी वुमेन एम्पावर हो रही है। संदेश तो यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अच्छाई की जीत होनी चाहिए, ये मेरी तरफ से, और अच्छाई आदमी के अंदर हमेशा विराजमान रहनी चाहिए। और जितना लड़ सकें ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी है उसको फाइट करके निकालना चाहिए। नवरात्रा के पावर पर्व पे ये आपने महोत्सव रखा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एकता का संदेश यहाँ देखने को लिए मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की जब आप बात करते हैं या किसी भी धर्म वाले लोग की बात करते हैं, तो मेरा एक ही कहना है, हम सब इसी धरती में जन्मे हैं, हम यहीं पर पढ़े हैं, हमारी भाषा एक है, हम लोग साथ रहते हैं। अगर कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाना होता है, तो ये नहीं देखते कि सामने मुसलमान डॉक्टर है, सामने हिंदू डॉक्टर, डॉक्टर है ना, बस जाना है। अगर हमको घर में नमक की ज़रूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, बगल में परचूनी की दुकान है, वहीं से नमक लाना है। हम ये थोड़ी ना कहते हैं नहीं 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 वो मुसलमान के यहाँ से मत लाना, वो हिंदू वाले के यहाँ से नमक लाना। हम लोग भाईचारे की तरह ही रहते हैं। ये तो लोगों की सोच है कि जिसने बना दिया कि नहीं, आप हम अपने घर में किस भगवान को पूछते हैं या किस अल्लाह को मानते हैं, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें कोई ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। मैडम, ये जातिवाद को ज़्यादा जन्म देती क्या कर रहे हैं आप, इस पे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जातिवाद है ही नहीं, वो तो मेरा अपना पर्सनल चीज़ है। मैं अपने घर के अंदर क्या करती हूँ वो चीज़ है, मेरा धर्म क्या है, मैंने भगवान को बैठा रखा है या मैं 5 बार दिन में नमाज पढ़ती हूँ, इससे बाहर निकलने से उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अगर मुझे अच्छा कोई कारीगर मिलता है, कोई दर्जी मिलता है, तो मैं कहती हूँ यार यही सिलेगा मेरा कपड़ा, वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है। हाँ, मैं विमलेश कोहली, सुंदर नगरी से निगम पार्षद। मैम, यहाँ रचना जी ने ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में ये महोत्सव रखा हुआ है, आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रचना जी का हार्दिक स्वागत करूँगी और धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने मुझे नवरात्रि के इस पावन मेला पर बुलाया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका, और मैं कहती हूँ कि हर किसी को ऐसा प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए। कोई संदेश देना चाहेंगे मैम? संदेश यही है कि अभी हमारे बीच में दो त्यौहार हिंदुओं के चल रहे हैं, जैसा कि नवरात्रे हैं और अभी दशहरा आने वाला है, तो यही है कि हर समय, चाहे वो माता की बात करें हम, चाहे श्री राम जी की बात करें, अच्छाई की जीत हमेशा हुई है और आगे भी होती रहेगी। उसी तरह से मैं अपने देश की नारियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि आपको भी किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक माता का एक रूप है। और जिस तरह से हम लोग नवरात्रि में माता को पूजते हैं, तो पुरुषों के लिए कहूँगी कि उनको 365 दिन साल की पूजना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वस्तुतः ये जो कार्यक्रम है
इस नवरात्रों की पावन बेला में 9 दिनों तक जिस प्रकार से हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, देखिए हम सभी जितने भी प्राणी हैं अपनी अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर आए हैं। हम अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहे और उसके बाद हमारा सृष्टि पर यहाँ पर धरती पर आना हुआ। अब इन 9 दिनों में हम अपनी माँ को नमन करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हुए तमाम मातृ शक्तियों के रूप में जितनी भी पृथ्वी पर महिला जाती हैं, जितनी भी वो जनन शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण करती हैं, उनको समर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। और ऐसे में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे कि एक ऐसा नया परिपाटी, एक ऐसा नया सिलसिला चालू हो जिसमें कि माता के साथ साथ समाज के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ बैठकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। संदेश ये देना चाहता हूँ, डॉक्टर रजना वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, ये इस प्रोग्राम से मैं देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो देश में गलत माहौल पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करते हैं, उनको एक जवाब है। और सबसे रचना वाजपेयी जी ने इस प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को अपने यहाँ रखा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे प्रोग्राम जरूरत है आज देश में रखने की। उत्कृष्ट उत्थान सेवा मंडल की अध्यक्षा रचना वाजपेयी लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटी हैं और शिक्षा, स्वच्छता एवं सैनिटेशन जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और यही वजह रही कि उन्होंने नवरात्रा महोत्सव के प्रोग्राम को आयोजित कर भाईचारे का संदेश दिया। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।